उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के होने में भले ही 1.5 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन प्रदेश में जातिगत वोट बैंक की राजनीति तेज हो चुकी है। योगी राज में लगातार हो रहे हमलों से ब्राह्मण वर्ग पहले से ही सरकार से नाराज है और अब विकास दुबे एनकाउंटर ने मानो इसमें घी डालने का काम किया। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने ब्राह्मणों की नाराजगी को भुनाना शुरू कर दिया। दरअसल यूपी की सभी मुख्य विपक्षी दल एकमुश्त होकर योगी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए हमलावर हो गया। तो वहीं अब ब्राह्मणों की आस्था के प्रतीक परशुराम के जरिए प्रदेश में अपनी सियासी वैतरणी पार करने की कोशिशों में है। हाल ही में ब्राह्मण वोट बनाते हुए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे में परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा किया। तो ऐसे में भला मायावती कैसे पीछे रहती? उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए एसपी से बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया। उधर कांग्रेस के सीनियर नेता जितिन प्रसाद ने भी ब्राह्मण चेतना संवाद का आगाज कर दिया, जिसके जरिए वो प्रदेश के अलग अलग जिलों के ब्राह्मण समुदाय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10.5% है। संख्या के आधार पर भले ही ब्राह्मण वोटर कम हो, लेकिन सत्ता का रूप बिगाड़ने की ताकत ये जरूर रखते हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों का पूरा समर्थन मिला और 312 में से कुल 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए। हालांकि प्रदेश का ब्राह्मण समुदाय एक वक्त पर कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद एसपी बीएसपी ने इस वर्ग को लुभाने की कोशिश की, जिसका दोनों पार्टियों को फायदा भी हुआ, लेकिन 2017 आते आते ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गए। अब 2022 से पहले विपक्ष ने ब्राह्मण वोट बैंक को एक बार फिर से बुनाना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि ब्राह्मण समुदाय क्या इस बार भी बीजेपी को तरजीह देता है, या फिर एसपी बीएसपी की परशुराम पॉलिटिक्स बीजेपी से ब्राह्मण वोट खींचने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।